यह तस्वीर 2 जून की रात की है। यह तस्वीर है सिवान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की, जहां एक पुलिसकर्मी एक डॉक्टर के साथ हाथापाई करता है और चेयर से भी उठाकर डॉक्टर की पिटाई करता है। सीसीटीवी फुटेज में कैद यह तस्वीर यह बयां करती है कि यह पुलिसकर्मी काफ़ी आक्रोशित है। साथ ही साथ इस तस्वीर को देखकर एक अंदाज़ा और लगाया जा सकता है कि इस तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ और ही है, क्योंकि जिस पुलिसकर्मी के द्वारा डॉक्टर की पिटाई की जा रही है वह पुलिसकर्मी आधुनिक हथियार से लैस है। जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि आधुनिक हथियार उन पुलिसकर्मियों के पास होते हैं जो किसी अधिकारी के साथ रहते हैं या फिर किसी थाने के अधिकारी के साथ रहते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस घटना के पीछे सिर्फ इस पुलिसकर्मी का ही हाथ है, या फिर वो पुलिसकर्मी भी जो साथ में आए हुए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम देने में सहयोग किया। साथ ही साथ सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इस पुलिसकर्मी के साथ साथ कोई अधिकारी भी सदर अस्पताल आया हुआ था। इन सारे सवालों के जवाब सिवान पुलिस अधीक्षक को देने चाहिए और उन सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पुलिसकर्मी के साथ आए हुए थे। अब आपको बताते हैं कि बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक वॉल से पुलिसकर्मियों को क्या निर्देश दिया था। श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये कहा था कि पुलिस आम जनता की सेवक होती है, वह किसी की मालिक नहीं होती है। पुलिस को अपने काम के साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम जनता हो, डॉक्टर हो, मीडिया कर्मी हो, व्यवसायी हो, सबके साथ नॉर्मल और सहजता से पेश आना है। लेकिन इन सारी बातों को ताक पर रखकर सिवान पुलिस अगर इस तरह के व्यवहार करेगी तो फिर आम जनता के साथ साथ अधिकारी, पुलिस और डॉक्टर के विश्वास पुलिस से उठते जाएंगे। आप भी सुनिए कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपने फेसबुक वॉल से पुलिस विभाग को क्या निर्देश दिया था। क्योंकि मैं 1500 थाना ओपी मिलाकर के बिहार में है, मैं कभी भी किसी भी समय किसी भी तक कहीं भी जा सकता हूँ। स्टेशन डायरी को पेंडिंग नहीं रखें 2-3 दिन, कहीं पकड़े गए कोई गलत काम करते किसी निर्दोष आदमी पर हाथ नहीं उठाइए। थाना में जो जाए इज्जत से बात करिए, मीडिया के लोगों के साथ बहुत शालीनता से बात करिए। जनप्रतिनिधि मुखिया हो, वार्ड का मेंबर हो, सरपंच हो या वार्ड पार्षद हो या विधायक हो, उसका सम्मान करिए। थाना में जाता है तो गलत पैरवी करता है मत सुनिए, किसी के दबाव में कोई गलत काम नहीं करिए, लेकिन इज्जत पूरा देना है। हमारा थाना प्रभारी हो या हमारा डीएसपी हो, हमारा एसपी हो, कोई भी हो, जनता के द्वारा चुना गया एक मुखिया भी सम्मान करने लायक है, उससे बड़ा है। हम उसके सेवक हैं, हम उसके मालिक नहीं है। एटीट्यूड में परिवर्तन करना होगा। शासन करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। अगर मुझे पता चल गया किसी गरीब को, किसी शोषित को, अकलियत को, दलित को, किसी कमजोर आदमी को जिसके पास पैसा नहीं, पैर भी नहीं, और किसी थाना में किसी भी पदाधिकारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, वो मेरे लिए बहुत ही गंभीर अपराध है। साक्ष्य और सबूत हमको मिल गया, हमारे तक शिकायत पहुंच गई, तो उसको सोच लेना चाहिए कि उनके साथ क्या व्यवहार होगा। पुलिस की इमेज खराब होने का, छवि खराब होने का एक मेन कारण है हमको अपनी जबान पर काबू नहीं है। हम आम आदमी को आदमी समझते ही नहीं, हम गरीब आदमी